करके आपको दिखाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स तो अंदर ये है। अदील अहमद आसी साहब आप खुद बताएंगे। ये इस वक्त जो आउटलेट में आपको इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये मैनीक्योर और पेडीक्योर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और अगर देखें तो नीचे डेंटिस्ट के भी जो हैं वो डेंटल की ट्वीज़र्स और इसके जो है काफ़ी वैराइटीज़ हैं, और ये सारे हमारे अपने पाकिस्तान और सियालकोट से बन के आए हैं, इम्पोर्ट हुए हैं यहाँ पे, और इनकी क्वालिटी हमारा जैसे आपने बाहर दिखाया नाम शाफ, शाफ हमारा ब्रांड है जो जर्मन में है, हमारा हेड ऑफिस जर्मनी में है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़ख्र की बात यह है कि हमने अपना ब्रांड जो है स्पेशली जो फुस लेगी मैनीक्योर और पेडीक्योर की चीज़ें हैं, जैसे ये इस साइड पे सेक्शन आपको नज़र आएगा, ये वाला सेक्शन अगर आप देखें, इसी तरह ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा, ये बार्बर और यानी मोस्टली ये है मैनीक्योर और पेडीक्योर के वाले से, क्योंकि लोगों की जरूरत वो है। अगर बाहर डिस्प्ले अच्छा, ये ऊपर जो है बैग्स है सारे, ये सारे लेदर के बैग हैं, मोस्टली लेदर के शूज हैं, और अभी लेदर की आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत अपने लेदर की जो है वो जैकेट्स अभी हाल ही में हमने अपनी प्रोडक्शन तैयार की हैं, ये बहुत तैयार, हाँ तो ये पीछे ढेर लगे हैं, लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ हमारे अपने वतन से बन के आया है और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पाकिस्तान मेड है ये लेदर के जो? जी ये पाकिस्तान मेड है, और हम सारे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी पाकिस्तान मेड है, और हम इसकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो पहले आसिफ साहब ने बताए ये सारे पाकिस्तान मेड है और हैंडमेड है, सबसे बड़ी हैंडमेड है, फख्र की बात है। और ये जो बैग्स हैं ऊपर अदील अहमद आसी साहब, ये जो लेदर के बैग हैं ये तो पाकिस्तान के नहीं है? लेदर के बैग पाकिस्तान के, ये भी पाकिस्तान के? जी लेदर के बैग सारे पाकिस्तान। अच्छा, ये भी पाकिस्तान से हैं, स्पेशली वो अभी आप आउटलेट की तरफ से अगर हम आएंगे तो वहाँ पे लेदर की जो आउटलेट है बैग्स की वो साइड पे है। अच्छा, वो जो है वहाँ पे भी ये सारे बैग जो है ये पाकिस्तान से, ये भी अच्छा पाकिस्तान से, हमारे फख्र की बात है कि पाकिस्तान के बैग्स जो है ये यहाँ पे कोपेनहेगन का जो शहर है हेलसिंगा एक बाहर है, कोपेनहेगन सिटी से काफ़ी दूर है, ये बहुत बड़ा शहर है ये हेलसिंगा, आप ये कह लें कि किनारे पे स्वीडन और डेनमार्क के, यानी डेनमार्क के जो है कोपेनहेगन के आखिरी हिस्से में वहाँ के समंदर के पास है, हेलसिंगा नाम है इसका। यहाँ पे जितने भी बैग्स हैं मैं दिखा सकता हूँ, बताता हूँ आपको, ये सारे पाकिस्तान मेड, अदील अहमद आसी साहब इसके ओनर हैं, और ये अब और चीज़ें सेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह आया हूँ इनके पास, अब दुकान ये खोल रहे हैं अपनी शॉप, और ये जैसे ये जो, ये जो लेदर बेल्ट्स हैं ये भी सारी पाकिस्तान से बनते हैं, और ये भी अगर आप देखें तो ये हमारा नाम भी, हमारा वही फर्म का नाम शॉफ, हर चीज़ के ऊपर इसका नाम, कंधा भी जो है ये भी उन्होंने प्रिंट करवाया है, हर चीज़ के ऊपर अगर हमारी आप किसी भी चीज़ें पर देखेंगे तो उसी ब्रांड की है। अच्छा, ये जो शूज़ हैं ये भी पाकिस्तान? नहीं, शूज़ जो है वो, अच्छा ये शूज़ में जो है ये फ्रांस के हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो जिस तरह पहनते हैं उसके मुताबिक इन्होंने रखे हुए शूज़। सही, ये नाइफ सारे पाकिस्तान से बनते हैं, ये नाइफ जो हैं जितने भी हैं ये भी पाकिस्तान से बनते हैं, और जैसे अदील अहमद आसी साहब बता रहे हैं कि ये हैंडमेड है, तो जाहिर है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और ये भी सारे बैग हैं यहाँ पे, ये जैसे उन्होंने पहले बताया कि ये सारे ये पाकिस्तान के बने हुए हैं, हमारे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं, ये पूरे का पूरा इसके ऊपर अपना ब्रांड के साथ हम चल रहे हैं। अच्छा, और ये ऐसे बैग हैं जो जिसकी अगर आप देखें तो एक छोटे छोटे सा बैग जो हैंग करने वाले हैं वो इस प्राइस पे जाते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी और जो उसकी सिलाई है वो सारी चीज़ें हम जो है अपने मेंटेन रखते हैं क्वालिटीज़ को। सही, तो लेदर की चीज़ें जो हैं और स्टील की चीज़ें हैं उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसको मार्केट नहीं मिल रही। सही, इस तरह से होनी चाहिए, और इस वक्त हम लाइफ टाइम गारंटी के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं। सही, और कोपेनहेगन के जो रहने वाले हैं उनको तो पता है कि ये हेलसिंगा एक कोपेनहेगन से काफ़ी दूर ये एक शहर है, और वहाँ पर ये इनकी शॉप सारी चीज़ें और ये सेटिंग है, तो यहाँ के कोपेनहेगन से
कि शहर के रहने वाले अगर हेलसिंगवा में आएंगे, हेलसिंगवा की मुसाफत कोपेनहेगन से 25 मिनट की है, इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन अगर रश ट्रैफिक हो तो फिर टाइम लग जाता है, अगर रोड फ्री हो तो इतनी ज़्यादा नहीं। इस तरह जो है ज़्यादा हमारा फोकस जो है मेन वो इसके ऊपर होता है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा, कह रहे हैं कि सेल्स का एक बड़ा हिस्सा जो है।